स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी की। आज को सप्ताह के पहले दिन है, तो आज किस कमोडिटी में क्या तेजी रहेगी और किस कमोडिटी में मंदी रहेगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिला बाजारों का। कि एग्री कमोडिटी में सबसे पहले बात करते हैं मसालों की, तो आज मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी, आपका क्या कुछ कहना है मसालों की तेजी को लेकर? देखिए, मसालों में तेजी लगातार हम इसी बिल्डिंग में डिस्कस करते आ रहे हैं कि मसालों में तेजी का ही रुझान है और ये कॉन्टिन्यूशन में बना रह सकता है। आप देखिए, आज भी मार्केट जो है एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ खुलती हुई दिखाई दे रही है और फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से अब मसालों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और ये तेजी अब बनी रह सकती है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या फिर हल्दी। छुटपुट गिरावट आने के बाद उसमें खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए निचले स्तर पर, और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये कॉमोडिटीज ऐसी हो सकती है जो एक अच्छा मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिया जो है वो अच्छा ऊपर में 13,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 13,500 के बाद आपको 15,000 तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करें जीरे की, तो जीरे के अंदर भी तेजी का रुझान है, जीरे में भी अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है और जीरा भी 23,000 से 23,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी 1,800 से लेकर 10,000 तक के स्तर छूटी हुई नजर आ सकती है, तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, इनके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी, कैस्टर सीड की बात करें तो आज कैस्टर सीड में भी हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, कैस्टर सीड में ये तेजी आगे बनी रहेगी? देखिए, कैस्टर सीड के अंदर तेजी का रुझान काफी कम नजर आ रहा है, ये बाजार जो है वो काफी ऊपरी स्तरों से हमने इसको देखा है, लुढ़कते हुए देखा है और अब थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम आया है और वापस से 7,200 के ऊपर गया। जब तक देखिए इसका जो लेवल है हम एक्सपेक्ट करें 7,500, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तभी इसके अंदर तेजी बन सकती है। ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में 7,250 से 7,260 की तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करें बिनौला खल की, आज बिनौला खल में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। बिनौला खल 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, क्या ये गिरावट आने वाले आगे रहेगी या फिर तेजी का रुख आगे बिनौला खल में मिलेगा देखने को? देखिए, बिनौला खल में गिरावट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने बहुत पहले बता दिया था कि नीचे में 2800 तक का लेवल इस पे एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है और आज आप देखिए 2832 का लो लग चुका है और एक्सपेक्टेड है कि आज 2800 का लेवल ब्रेक कर दे। और मेरे हिसाब से बिनौला खल और कॉटन दोनों ही कमोडिटीज में बिकवाली की तरफ रहना चाहिए और बहुत पहले से मैंने इस चैनल पर ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बिनौला खल 3200 के आसपास था, तब से हम सेलिंग की कॉल दे रहे हैं कि इसको बिकवाली करके चलिए और आप देखिए आज 2800 पर है, अगर 2800 का लेवल ब्रेक करता है तो और भी नीचे के लेवल आ सकते हैं, लेकिन एक बार 2800 के आसपास खरीदारी भी बन सकती है, तो मेरे हिसाब से बिनौला खल में बिकवाली में रहना चाहिए, फिलहाल खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए। रूपा जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है बिनौला खल को लेके कि आगे इस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल बिनौला खल में बाइंग नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें फिलहाल कोई पोटेंशियल है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें फ्रेश बाइंग के लिए, और बल्कि जिनकी बाइंग है उनके लिए 2800 का एक स्टिकी स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें, क्योंकि ये टूटता है तो फिर नीचे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, ग्वार गम और ग्वार सीड में भी आज गिरावट के साथ ये खुला है, आगे ग्वार गम और ग्वार सीड का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में ट्रेंड पॉजिटिव है और बाजारों में तेजी का रुझान है और यहाँ पर आप मान के चलिए गम भी 13,000 से 13,500 का स्तर छू सकती है, वही सीड भी 6,500 के ऊपर सस्टेन हो सकती है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन के अंदर इसमें बाइंग में रहना चाहिए, अभी थोड़ा सा पोटेंशियल है और मार्केट जो है अपसाइड में बनी रह सकती है, बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट की उम्मीद नहीं है, स्लोली हमें लगता है कि इसमें तेजी बनी रहेगी और डिप पर इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर कपास पे नजर डाले और कपास के बाजार की बात करें तो वो आगे कैसा रह सकता है? देखिए, कपास के अंदर भी मुझे लगता है कि कपास की अगर बात की जाए तो कपास में ऊपरी स्तरों पर आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है, मेरे हिसाब से कपास में भी सेलिंग की तरफ रहना चाहिए, फिलहाल बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी अगर मेंथा ऑयल की बात करें रूपा जी, तो मेंथा ऑयल में आगे हमें क्या करके चलना चाहिए? देखिए, मेंथा ऑयल की अगर बात की जाए तो मेंथा ऑयल में भी अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, मेंथा के अंदर भी अभी बाजारों के अंदर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है और लगातार हमने देखा है कि इस कमोडिटी में पिछले साल जो है वो गिरावट देखने को मिली थी और इसका थोड़ा सा मार्केट उठा है और 1100 के ऊपर अब सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, प्रेशर है 1080 1060 इंट्राडे में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी
एक दर्शक है हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पूछना है रूपा जी कि चने में आगे क्या करके चलना चाहिए हमें? देखिए, दालों में बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, चने में भी बिकवाली करके चने, चने के अंदर भी आगे चलकर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ सकती है। ऑलरेडी मार्केट जो है प्रेशर में है और चने के अंदर अभी भी कीमतों के अंदर कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं है और मुझे लगता है कि दालों में फिलहाल खरीदारी को अवॉइड करें और लगातार प्राइसेस के अंदर अभी प्रेशर बना रह सकता है। जी रूपा जी, अब हम बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो आज खाद्य तेलों का बाजार कैसा रहेगा रूपा जी? देखिए, खाद्य तेलों में लगातार तेजी है और लगातार जो हम देख रहे हैं कि पहले से ही हमने देखा है कि कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं और एडिबल ऑयल की महंगाई अभी फिलहाल और बढ़ती हुई नजर आ सकती है क्योंकि इंडोनेशिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है जिससे कीमतों को और ज्यादा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमतों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया खुद भी खाने के तेलों की महंगाई और कमी की समस्या से जूझ रहा है जिसके चलते वो वहां से पाम तेल के की जो दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। चीन और भारत इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और इसी इंपोर्ट करने वाले देश हैं जो कि दूसरे देशों को देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंडोनेशिया में इस टाइम पर पाम ऑयल की सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वो अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के की जो रिपोर्ट है वो निकल कर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कीमतें जो है फिर से सपोर्ट लेती हुई नजर आएंगी और आगे चलकर एडिबल ऑयल पैक के अंदर और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं जब से हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जो वॉर छिड़ी है उसके चलते भी भारत में सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई भी तकरीबन 1 लाख टन प्रति महीने के आसपास घट चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए सिनेरियो तो काफी पॉजिटिव लग रहा है अभी भी मार्केट, तो मुझे लगता है कि खाद्य तेलों में खरीदारी की तरफ रहना चाहिए और इनमें आगे चलकर तेजी बन सकती है, चाहे वो रिफाइंड सोया ऑयल हो या सीपीओ हो, इनमें बाइंग किया जा सकता है। जी रूपा जी, और गेहूं की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय गेहूं बाजार पर साफ साफ असर दिख रहा है। गेहूं का भाव एमएसपी से ज्यादा पर बिकता दिख रहा है, गेहूं का भाव आगे में कहां तक जा सकता है रूपा जी? देखिए, गेहूं में अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, बाकी क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके का किस क्वालिटी का गेहूं है और अभी जो है देखा जाए तो गेहूं में अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ हमने मंडियों में देखा है, राजस्थान की मंडियों की अगर बात करें तो वहां पर मैक्सिमम हमने 3,000 रुपए क्विंटल तक बिकती हुई गेहूं देखी है अच्छी क्वालिटी की जयपुर के अंदर। और वहीं देखा जाए एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रहे हैं और अभी भी प्राइजेस जो है वो ऊपर बने हुए हैं और गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो कम होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और एक्सपोर्ट्स का ये मानना है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उनका ये कहना है कि आगे गेहूं के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि फिलहाल इन लेवल्स पर खरीदारी का माहौल है और लगातार मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, तो ऐसे में अच्छी खासी तेजी की तरफ गेहूं जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, किसान एमएसपी पर गेहूं तो बेच नहीं रहे हैं, तो आगे से सरकार का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी सरकारी गेहूं की खरीद में भी कमी देखने को मिली है और देश में अभी देखा जाए तो एमएसपी पर गेहूं खरीद का लक्ष्य 444 मैट्रिक टन का रखा गया है और जबकि राजस्थान में अगर देखें तो गेहूं का प्रोडक्शन 23 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अभी अब जो है सरकारी खरीद भी काफी हद तक कमजोर पड़ चुकी है क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर जा चुके हैं और एक्सपोर्ट जैसे जैसे पिकअप होंगे तो डेफिनेटली किसानों को हो सकता है कि एक अच्छा प्राइस मिलता हुआ इस साल देखने को मिले और गेहूं की कीमतें सपोर्ट में रहे। जी रूपा जी, सोयाबीन में आगे क्या कुछ रह सकता है क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ रही है? देखिए, सोयाबीन में भी तेजी का रुझान है, अभी ओवरऑल एडिबल ऑयल का जैसा कि हमने डिस्कस किया इनके अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन की कीमतों को भी वहां से सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक काफी तेजी की तरफ है और बहुत ज्यादा मुझे गिरावट इसके फिलहाल नहीं दिखाई देती। जी रूपा जी, अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन का जो बाजार है वो भी मंदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, लहसुन में इस बार तेजी का दौर जो है वो थमता हुआ नजर आया है और अभी तेजी नहीं है, हम
लहसुन को लगातार दबाव के अंदर देख रहे हैं और मेरे हिसाब से इसमें अभी भी प्रेशर बना रह सकता है और लहसुन की कीमतें जो है वो नीचे की तरफ ही रहेंगी। अभी कोई तेजी का रुझान नहीं है। रिटेल में जरूर प्राइजेस थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन आगे चलकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन अच्छा खासा है और आगे चलकर लहसुन की कीमतों में दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, अगर प्याज की बात करें तो जो प्याज 40-50 रुपए किलो बिक रहा था वो अब 10 रुपए किलो के आसपास भी बिक रहा है, तो आगे इस पे क्या कुछ रह सकता है प्याज पे? देखिए प्याज की भी इस बार हालत बुरी नजर आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि प्याज के अंदर देखा जाए तो कीमतें काफी नीचे लुढ़क चुकी हैं और मंडियों के अंदर 2 से 5 रुपए किलो तक खुदरा में जो है हमें होलसेल के अंदर प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्राइसेस नीचे जाते जा रहे हैं और यूं कहें कि भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले कुछ एक दिनों में प्याज के अंदर लगातार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। किसानों का तो ये भी कहना है कि उनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है और वो प्याज को मतलब बहुत कम दामों पर औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है और जिस तरीके से प्रोडक्शन देखने को मिला है आगे चलकर मुझे लगता है कि प्याज की कीमतें जो है वो दबाव में ही रह सकती है। फिलहाल प्याज के अंदर जो है तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ नाफेड को भी प्याज किसान नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि किसानों की मांग है कि प्याज को MSP के दायरे में लाया जा सके ताकि जो उतार चढ़ाव है लगातार प्राइजेस जो है ऊपर नीचे होते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान फसल को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए किसानों की मांग है कि इसको MSP के दायरे में लाया जा सके ताकि जो ये प्राइजेस एकदम नीचे फिसल गए हैं 2-5 रुपए किलो 7 रुपए किलो के आसपास जो प्राइस प्याज का देखने को मिल रहा है इससे किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। तो अभी देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है, लेकिन प्याज की अभी स्थिति काफी खराब है और आगे चलकर मुझे लगता है कि जो रेट की बात करें तो वो उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी प्राइजेस जो है वो नीचे ही बने रहेंगे, तो इसलिए प्याज में ना तो फ्रेश बाइंग लेना चाहिए बल्कि जो रखा है उसे भी लिक्विडेट करने में ही समझदारी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा अभी इसकी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। जी रूपा जी, हमारे एक दर्शक का सवाल चीनी को लेकर है कि चीनी में आगे क्या करके चलना चाहिए, क्या गिरावट देखने को मिलेगी या फिर चीनी के भाव और बढ़ेंगे? देखिए चीनी में गिरावट नहीं है और तो बहुत ज्यादा तेजी की भी उम्मीद नहीं है। प्राइजेस जो है स्टेबल रहेंगे तो इसके अंदर अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है कि आगे चलकर प्राइजेस जो है वो कम हो जाएंगे ऐसा कुछ। प्राइजेस जो है वो स्टेबल रहने वाले हैं क्योंकि अच्छी खासी अभी डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि अभी भाव में तेजी बनी रहेगी, छुटपुट तेजी की तरफ मार्केट बना रहेगी। जी रूपा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज एग्री कॉमोडिटी में किस कॉमोडिटी में मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए आज एग्री कॉमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कॉमोडिटीज के अंदर आज जीरे के अंदर तेजी है, 23,500-23,000 तक जीरा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्दी 9200-9300 के स्तर छू सकती है। मुझे लगता है कि हल्दी, जीरा, धनिया ये कॉमोडिटी हमेशा से मैंने बोला है कि इनमें बाइंग में रहिए। आज भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से 150-200 की पॉइंट उछाल देखने को मिल सकता है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। वही ग्वार सीड में भी हल्की खरीदारी करके चला जा सकता है। जी धन्यवाद रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो आज ऐसा रहेगा एग्री कॉमोडिटी का बाजार। तो आज सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।